पुलवामा जिले का काकपुरा गांव, मगर बाजार है, ईद पर बाजार बंद, जैसे सब जगह बंद बंद और बंद। लोगों की खुशियां भी बंद। जो भी है मतलब लोगों में बहुत हरासमेंट है, होप है, कोई मतलब बाहर जा नहीं सकता है, बस मतलब आर्मी दो तीन चक्कर लगाते हैं इधर से उधर से उधर से इधर। हमारा जो 370 था या 35 ए था, ये एक कमिटमेंट थी इंडिया से हमारे रहने की। जब ये तोड़ रहे हैं तो अब नेचुरली देखो हमारा जो उनका रिश्ता है इंडिया के साथ वो तो खत्म हो गया है। यही लोगों की डिमांड है कि अगर ये चीजें हमने रखी थी, हमारे पहले जो भी मतलब उस टाइम के मतलब गवर्नमेंट थी, यहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे कश्मीर के, जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ कर रहे थे, तो उन चीजों पर हमारा जो इंडिया के साथ मतलब इलहाक हुआ है। अब ये जो तोड़ रहे हैं तो लोगों की एक ही डिमांड है कि हमें फिर छोड़ दीजिए। मैं गया था दवाई लाने अनंतनाग माँ के लिए, मेरे हाथ में पर्चा था, वो कोर्स का दवाई, उसकी दिमाग की थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं गया था दवाई लाने, मैं जब चौक में पहुंचा, लाल चौक, यहाँ पुलिस वालों ने छोड़ दिया। जब मैं आगे पहुंचा, मानो बीच में कर्फ्यू के बीच में जब मैं पहुंचा, फौज वालों ने पकड़ा, बिना बात पे बोला कि कर्फ्यू, आप क्यों आए यहाँ? मैंने बोला दवाई लानी है। बोला नहीं, यहाँ नहीं आना था। चिट्ठी ली शटल के साथ, जो दुकान का शटल होता है उसके साथ, ऐसे हाथ किए मैंने, फिर पेट पे भी मारा और बाजू भी तोड़ दी। यही होगा आर्टिकल तोड़ने से। ये अपना 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 राज चलाएंगे यहाँ पे, हमें घरों से नहीं निकलने देंगे। से उठाई थी बताओ? हाँ, फ्रेस्तावल से। और नमाज क्या करने गए? नमाज पढ़ने गए। और उसके बाद में कितने दिन रखी वहाँ पे? 5-6 दिन। क्या की वहाँ पे तुम्हारे साथ? मारा ना। अच्छा, और भी बच्चे हैं तुम्हारे जैसे? हाँ, बहुत छोटे। कितने? 10-12। इसी गांव से? हाँ। तुमसे बड़े और तुमसे छोटे? मेरे से बड़े भी, मेरे से छोटे। तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारी उम्र कितनी? 11 साल। और तुम्हारे गांव के अलावा और भी इलाकों से बच्चे? हाँ, बहुत सारे। तुम्हें कैसे डंडों से बांध करके? हाँ। क्या बोला कि क्यों मार रहे? वो बोले थे आपने पत्थर मारा, मैंने बोला मैंने नहीं मारा, वो फिर कहाँ मानते थे, मार रहे थे। तुमको किस कानून से पकड़ा गया? तुमको ऐसा कुछ नहीं, 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 नहीं पता है। तो कोई कानून नहीं, जो उनकी मर्जी होगा तो वो। पहले भी तुमको कभी बंद किया है? ना, पहले बार। जो यहाँ मोदी जी ने ये किया है ये गलत है, हम इस पर एक्सेप्ट नहीं है, हम ना राजी हैं इसके ऊपर। जो जबरी कागजात बनाए हैं ये इस तरह नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ की जो इस वक्त लोगों की प्रॉब्लम है, मेडिसिन है, बाकी जो है ये टेलीफोन जो है, अब कुछ जो है नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो परेशानी होगी। फिलहाल तो मैडम बात एक है, इनका पूरा मीडिया बोल रहा है कश्मीर में हालात सामान्य है, वो है ये है, आप खुद देख लीजिए कश्मीर में कोई सामान्य हालात नहीं है। अगर ये निर्णय लेना चाहिए तो कश्मीरी के साथ लेना था, कश्मीरी के बगैर थोड़ी लेना था। बिल्कुल, जब कश्मीरी उसके साथ होते तभी तो ये लेना था। आपने हाथ पैर बांध किए, मुंह खुला रखा, बंदूक यहाँ पर रखा और बोला कि खाओ। इसको तो बोलते हैं दादागिरी दिखा रहा है, और कुछ नहीं है, ये तो दादागिरी है, जबरदस्ती है, और कुछ। बजे हमारे लड़के को घर के ले गए, अभी 8 दिन से वो बांध रहे, पिछले मंडे को आए थे रात को 11 बजे, उसको लेके गए, अभी हमें घुमा रहे हैं, रोज बोलते हैं कल आ जाओ, परसों आ जाओ, शाम को आ जाओ, ले जाओ, फिर नहीं छोड़ते। अभी हम कल भी गए थे शाम के टाइम, बोला आज जरूर ही छोड़ देंगे, उस
टाइम भी नहीं छोड़ दिया, तो अभी हम चाहते हैं कि उसको छोड़ दे। वो उसकी माँ भी बीमार है, उसका हार्ट पेशेंट है। हम चाहते हैं कि वो घर आ जाए जल्दी, उसको छोड़ दिया जाए। ये जुल्म हो रहा है यहाँ पे कश्मीर में। कितने बच्चों का आसपास यहाँ पे ले गए? करीबन 3 बच्चों को करीबन 4 दिन के बाद छोड़ दिया, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं। वो भी बांधी है। किस वजह से ले गए? वो तो वजह कुछ नहीं बता रहे, बस कुछ नहीं बोल रहे, बस इसका कोई केस ही नहीं है, इसको हम छोड़ रहे हैं, बस आप 1 दिन सब्र करो, 2 दिन सब्र करो, बस इतना बोल के छोड़ देते हैं। और अगर आप लोग वहां जा करके बहुत माने भीड़ में जाएं और कहें कि भाई छोड़ो हमारे बच्चे को, तब क्या होगा? वहां से खतरा है, वहां तो हम बात भी नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ये ऊपर का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। मुंशी साहब से भी बात की, एसओ साहब से भी बात की, लेकिन वो बोल रहे हैं हमारे ऊपर कुछ नहीं है, ये पिछला ही ऑर्डर है, हम पे कुछ नहीं है। किस तरह लेके गए थे उसको? आगे यहाँ शाम को घर में आगे बोला कितने बजे? करीबन 11:30-12 बजे आ गए, रात में। बोला कि इसको डीएसपी साहब से थोड़ी बात करनी है बाहर, तो उसको हम यहीं छोड़ रहे हैं। तो बाहर तक ले गए तो इसकी माँ भी साथ में थी, इसने बोला बोलो क्या करना है, तो इसको गाड़ी में बिठा के, इसको लगा कि ये शायद बात ही करेंगे, तो उसको गाड़ी दरवाजा बंद किया और लेके गए शाम के टाइम। उसी टाइम क्या उम्र है बच्चे की? बच्चे की उम्र है अभी 19 साल की उम्र है। शोपियां जिले का नागबल और सब जगह की तरह यहाँ भी पूरी तरह से कोई नहीं है, सब ईद वाले दिन भी सब कुछ बंद है। अब ये यहाँ पर जो है ना माल पड़ा हुआ है सारा, इस जो झमेला इन्होंने खड़ा कर रहा है, इससे जो है ना हमारी कंडीशन भी खराब हो गई है, मतलब सारी कंडीशन सबकी। ये परेशान नहीं है, हम इनसे ज्यादा परेशान हो गए। ये अगर करना था तो कुछ दिन के बाद में करता। एक त्योहार है यहाँ पर, इतनी बड़ी ईद है हमारी, साल में एक बार आती है, इसने इस बात को पंगा कर रहा है, ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। देखो क्या सन्नाटा पड़ा है यहाँ पे, पैर रखने की जगह नहीं है। सारा बेटा हम लोग इतना परेशान है यहाँ बहुत ज्यादा, इनके पास बेचारों का किराया नहीं है। आज ये किराए के लिए परेशान है, हम कहाँ से ज्यादा किराया, 1 रुपया भी पैसा नहीं है। मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ। कश्मीरियत ऐसी है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आजकल ईद का फेस्टिवल आने वाला है, तो हम तीनों वर्ग तीनों रिलीजन एक साथ बैठ के एक साथ सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे और भी कोई फेस्टिवल हो। तो कश्मीरियत आप कभी जाए, कभी सर्च करें, इसके बारे में डिटेल में पढ़े, तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ अलग ही चीज़ है। अनंतनाग में कभी ट्रकों में सामान आता, मगर अभी लंबी लाइन लगी है, रोक दिए गए हैं। ईद वाले दिन भी अनंतनाग में कर्फ्यू 6 बजे से चालू किया गया। लोगों को नमाज सिर्फ घरों में ही पढ़ने दी गई या गांव के अंदर की मस्जिद पे, बाजार में लोगों को निकलने पे पाबंदी। ये है कश्मीर की असलियत। ये है कश्मीर की ईद। Article 370. 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 Article